गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3, जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। चैप्टर 2 ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक समाप्त हो गया है। अब आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करिए, थोड़े दिन में ही टेस्ट होने वाला है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो थर्ड चैप्टर है इसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक करेंट यानी विद्युत धारा क्या है, किसे हम कहेंगे करेंट, करेंट का डिफिनेशन क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इस नंबर को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो गया, माइनस ई कूलम। और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज इक्वल टू +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, जिसको हम लोग प्लस ई से डिनोट करते हैं। जहाँ ई क्या है, ई एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इसका मतलब जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई कूलम चार्ज होता है जबकि एक प्रोटॉन पर प्लस ई कूलम चार्ज होता है। चार्ज का नेचर अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज का जो वैल्यू है वो दोनों पर सेम है। हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ई, चार्ज का नेचर है निगेटिव। एक प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज है ई, चार्ज का नेचर है पॉजिटिव। ठीक है, कंडक्टर को हिंदी में चालक कहते हैं। कंडक्टर उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि उससे आसानी से करंट फ्लो होता है। कंडक्टर वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर को जब हम बैटरी से जोड़ेंगे तो उस कंडक्टर से होकर क्या फ्लो होता है, करेंट। ठीक है, जबकि इंसुलेटर किसको कहेंगे, तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में आपका बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में बहुत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है, करंट फ्लोस इजीली। जब आप किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो आसानी से करंट फ्लो होता है। इसका वजह यह है कि कंडक्टर में बहुत बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, इसके उल्टा इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर को हिंदी में कुचालक कहते हैं, यानी इसको आप बैड कंडक्टर भी कहते हैं। इंसुलेटर वैसा पदार्थ होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कुचालक में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जिसके कारण इससे करंट फ्लो नहीं होता है, डजंट फ्लो करंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। कंडक्टर में जहां बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसीलिए उससे करंट आसानी से फ्लो होता है, वहीं इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है जिसके वजह से उसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है। कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो गया, कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया ऑल मेटल्स, मेटल, मेटल को हिंदी में धातु कहते हैं, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। इंसुलेटर इसका एग्जाम्पल हो गया रबड़, प्लास्टिक, पेपर, ये सब इंसुलेटर है, कुचालक है, इससे करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, माइनस ही। दो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा,
चार्ज ऑन टू इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा माइनस टू ई, तीन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा माइनस थ्री, चार इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा माइनस फोर ई। तो चार्ज तो निगेटिव होगा लेकिन चार्ज का वैल्यू कितना है फोर ई। पाँच इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाएगा फाइव ई, एन इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज हो जाएगा एन ई, निगेटिव चार्ज होगा लेकिन चार्ज का जो वैल्यू होगा वो एन ई होगा एन इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, यह क्या है कंडक्टर है, मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, कंडक्टर है मतलब मान लीजिए यह मेटल का बना हुआ तार है, वायर ऑफ ए मेटल। मान लीजिए यह धातु का बना एक तार है जिसको आपको जूम करके बड़ा करके हमने दिखाया है। ये मान लीजिए कॉपर का एक वायर हो सकता है, आयरन लोहे का एक तार हो सकता है, या किसी भी धातु का यह एक तार है। इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, चूंकि यह कंडक्टर है, मेटल का कोई तार है, तो इसके अंदर क्या होगा बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। हम कह सकते हैं इसके अंदर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। और यह जो इलेक्ट्रॉन होता है ये रैंडम मोशन में होता है, कौन से मोशन में, रैंडम, रैंडम मोशन, जिसको हिंदी में कहेंगे यादृच्छिया गति। ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, कोई इस डायरेक्शन में मूव करता है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई उधर जाता है, कोई इधर जाता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है और रैंडमली है, कोई रूल नहीं है। जिसको जिधर मन हो रहा है वो उधर भाग रहा है। जैसे शाम के टाइम में जब मच्छर आपके रूम के अंदर घुसता है तो वो मच्छर किस डायरेक्शन में मूव करता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसका मर्जी, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। वैसे ही कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका जो मूवमेंट होता है, उसका जो गति होता है, वो बिल्कुल रेंडम होता है, यादृच्छा होता है। इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी निश्चित दिशा में गति नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, ये जो मूव करते हैं, गति करते हैं, इसके गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, कोई एक डायरेक्शन में ये सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ टाइम के बाद ये अपना डायरेक्शन इधर कर लेगा। अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है और टाइम टू टाइम इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, रेंडम मोशन। यानी इलेक्ट्रॉन कोई निश्चित दिशा में गति नहीं करता है, सारे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है अलग अलग डायरेक्शन में होता है। लेकिन जब हम कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ते हैं, जब हम कंडक्टर को किससे जोड़ेंगे, एक बैटरी से, मान लीजिए हमने कंडक्टर को एक वी वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया, तो जब आप कंडक्टर को बैटरी से जोड़ेंगे, ये बैटरी कितने वोल्टेज का है, वी वोल्ट का। ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट, इस पर यहाँ हम प्लस लिखते हैं, इस पर माइनस लिखते हैं। तो वी वोल्ट का मतलब हो गया कि ये जो बैटरी का दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट एक निगेटिव प्लेट, एक को एनोड कहते हैं। बैटरी में दो प्लेट होता है, एनोड और कैथोड, पॉजिटिव प्लेट को एनोड कहते हैं, निगेटिव प्लेट को कैथोड कहते हैं, और दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम ईएमएफ यानी बैटरी का वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा बैटरी है ये वी वोल्ट का है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव प्लेट वी वोल्ट पे होगा और इसका निगेटिव प्लेट जीरो वोल्ट पर होगा। आपको याद होगा हमने कैपेसिटर में भी बताया था, कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल हमने कितना वोल्ट लिया था, जीरो वोल्ट, और पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हमने वी वोल्ट लिया था। दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी माइनस जीरो यानी वी वोल्ट होगा। यहाँ पर भी वही बात है, ये जो बैटरी है वी वोल्ट का है, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा वी वोल्ट, निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा जीरो वोल्ट। तो अगर ये वी वोल्ट पर है तो यह पॉइंट भी वी वोल्ट पर होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। यह पॉइंट भी वी वोल्ट पे होगा और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट वी वोल्ट पर होगा। ठीक है, ये जीरो वोल्ट पर है तो यहाँ से डायरेक्ट वायर से यहाँ कनेक्ट है तो ये जीरो वोल्ट पर होगा। बीच में कुछ भी कनेक्ट नहीं है, केवल वायर है। इसका मतलब
जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। ये एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, शॉर्टिंग करना। तो जब भी दो पॉइंट को आप शॉर्ट करते हैं तो दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल होता है। यहाँ पर यह पॉइंट और यह पॉइंट डायरेक्ट वायर से कनेक्ट है तो इसलिए दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो हम देख सकते हैं कि जब भी हम कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, वी वोल्ट के बैटरी से, तो कंडक्टर का जो दो टर्मिनल है, ये जो कंडक्टर है इसका दो सिरा है, एक ये वाला टर्मिनल है और एक ये वाला टर्मिनल है। इस टर्मिनल का पोटेंशियल हो गया वी वोल्ट, इस टर्मिनल का पोटेंशियल हो गया जीरो वोल्ट, यानी इसके दोनों टर्मिनल पर एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब आपने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, ये हमारा कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है ये बैटरी से अभी जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका जो दो टर्मिनल है, इस टर्मिनल का वोल्टेज है जीरो वोल्ट और यहाँ पर भी वोल्टेज कितना है जीरो वोल्ट। यानी जब कंडक्टर बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं होता है तो उसके दोनों सिरे का विभव जीरो वोल्ट होता है और इसलिए विभवांतर जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो माइनस जीरो यानी जीरो वोल्ट होगा। लेकिन जब हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के चलते कंडक्टर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। इस विभवांतर के कारण, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कंडक्टर में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से। यही थ्योरी, यही कॉन्सेप्ट आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा था। कैपेसिटर में दो प्लेट है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये जो प्लेट है इस पर जीरो चार्ज है, इस पर भी जीरो चार्ज है, यह जीरो वोल्ट है, यह भी जीरो वोल्ट है, नो चार्ज, नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर हमेशा इक्वल अपोजिट चार्ज होता है। मान लो पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल वी वोल्ट है, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल जीरो वोल्ट है, तो दोनों प्लेट के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दोनों प्लेट के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके दोनों टर्मिनल पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते कंडक्टर के अंदर क्या क्रिएट होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो टर्मिनल है ये हाई वोल्टेज पर है, वी वोल्ट पर, ये वाला टर्मिनल जीरो वोल्ट पर है, लो वोल्टेज है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। क्लियर है? अब आप जरा सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है जिसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू ई। अगर कोई भी आवेशित कण, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है जिस फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू फील्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन अगर चार्ज निगेटिव होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड के अपोजिट। क्लियर है? यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। इसको ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, माइनस ई चार्ज होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है किधर, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसको ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह सेम है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इस पर किधर फोर्स लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, एफ इक्वल टू
F इक्वल टू क्यू ई होता है, फोर्स का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होता है, क्यू ई। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो ये चार्ज का वैल्यू हो गया ई। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का जो वैल्यू होता है वो ई होता है, और फील्ड का वैल्यू है ई। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, ई ई, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड के अपोजिट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस क्यों नहीं डाला। देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा। ये निगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को बताता है। निगेटिव साइन का मतलब हो गया उल्टा डायरेक्शन। अगर चार्ज पार्टिकल निगेटिव होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू ई ई होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड के अपोजिट। तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पर किधर फोर्स लगना स्टार्ट होता है, फील्ड के अपोजिट। कंडक्टर में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब भी कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसके कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, यानी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, मान लीजिए ये जो कंडक्टर है इसका हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट। क्रॉस सेक्शन को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर ऐसे वर्टिकली हम कट करें तो क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इस सर्कुलर एरिया को ही हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। तो यहां पर जो ये सर्कल है इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहां पर भी इसको क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पर भी आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ले सकते हैं, यहां पर भी आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं। तो बताइए एक कंडक्टर के अंदर हम अनगिनत क्रॉस सेक्शनल एरिया ले सकते हैं, और ये सारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सेम होगा। देखिए इसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ये सारा सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जितना भी क्रॉस सेक्शन हम लेंगे सारे क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम होगा, और ये क्रॉस सेक्शन हम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो कंडक्टर को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसके कारण फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर बनता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? अब हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, इस कंडक्टर के अंदर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। अब जरा सोचिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 5 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको ध्यान से देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 5 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 5 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 10e। 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 10e। हम चार्ज का वैल्यू का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी कितना चार्ज पास हो रहा है, 10e। तो चार्ज फ्लो होने का रेट क्या होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। रेट को हिंदी में दर कहते हैं। तो 5 सेकेंड में चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी 10e कूलम चार्ज पास हो रहा है, 5 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, 10e कूलम। तो 5 सेकंड में 10e कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको चार्ज फ्लो का रेट कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति 5 सेकंड में 10 जूल काम करता है तो कार्य करने का दर क्या होगा। दर जब भी निकालते हैं हम लोग 1 सेकंड पे निकालते हैं, तो 5 सेकंड में 10 जूल काम होता है तो 1 सेकंड में 2 जूल काम होगा, यानी 2 जूल पर सेकंड। इसी को हम कार्य करने का दर कहेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क कहेंगे। तो यहां पर देखिए 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 10e। तो चार्ज फ्लो होने का रेट क्या होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। रेट ऑफ चार्ज फ्लो यानी आवेश प्रवाह का दर क्या होगा। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितने टाइम में फ्लो हुआ,
कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितने टाइम में फ्लो हुआ। तो टोटल चार्ज फ्लो हो गया 10E और कितने टाइम में फ्लो हुआ, 5 सेकेंड में, तो हो गया 2E कूलम पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह का दर, और इस आवेश प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। जरा यहां ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या है, किसी अनुप्रस्थ काट से यानी किसी क्रॉस सेक्शन से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, ये तो आपने देख लिया कि जब भी हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है यानी चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज फ्लो होने का जो रेट होगा, वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है कहाँ से फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मान लो 5 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी 5 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी 5 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 5 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इससे 5 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन रास्ते में ही रह गया और बाकी इससे 5 सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा नहीं होता है। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से सेम टाइम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्लियर है। तो इस तार के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से सेम टाइम में सेम इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज फ्लो होता है, सेम टाइम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 5 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, यानी 10E कूलम का चार्ज फ्लो हो गया, तो चार्ज फ्लो होने का जो रेट होगा, वो रेट का मतलब होता है 1 सेकेंड पर, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ और टोटल कितना टाइम लगा। टोटल चार्ज फ्लो हुआ 10E, टोटल टाइम लग गया 5 सेकेंड, तो 10E कूलम चार्ज फ्लो हुआ 5 सेकेंड में, तो चार्ज फ्लो होने का रेट हो गया 2E कूलम पर सेकेंड। इसी कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पियर, जो कि करंट का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो करंट हम किसको कहेंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज फ्लो के रेट को करंट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, करंट किसको कहते हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज फ्लो के रेट को करंट कहते हैं, क्लियर है। एक बार डिफिनेशन पढ़ते हैं, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो यानी आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज फ्लो का रेट होगा, दर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, क्लियर है। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, अभी कितना करंट फ्लो हो रहा है, जीरो, जीरो एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। इस वायर से, इस कंडक्टर से अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है। जब इस कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ेंगे, इसको हमने किस से जोड़ना है, बैटरी से, जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे, यहाँ पर हाई वोल्टेज होगा, यहाँ पर जीरो वोल्ट यानी लो वोल्टेज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा और इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो होगा। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से सेम टाइम में सेम चार्ज फ्लो होता है। ये मान लीजिए पहला क्रॉस सेक्शन है, ये दूसरा क्रॉस सेक्शन है, ये तीसरा वाला है और ये चौथा वाला है। मान लो इस क्रॉस सेक्शन से, मान लो इस क्रॉस सेक्शन से 10 सेकेंड में 50 कूलम चार्ज फ्लो हो गया, तो इस क्रॉस सेक्शन से भी 10 सेकेंड में 50 कूलम ही फ्लो होगा, इस क्रॉस सेक्शन से भी 10 सेकेंड में 50 कूलम चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो यहां पर टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 50 कूलम, तो चार्ज फ्लो होने का रेट क्या होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, आवेश प्रवाह का दर क्या होगा, तो वो होगा टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 50 कूलम, कितना टाइम में फ्लो हो रहा है, 10 सेकेंड में, तो 5 कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। तो कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर का मतलब हो गया 5 कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं, 5 एम्पियर का मतलब 5 कूलम पर सेकेंड, 5 कूलम पर सेकेंड का मतलब
पर सेकंड का मतलब एक सेकंड, यानी एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से 5 कूलम का चार्ज फ्लो होगा। अगर करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है तो इसका मतलब हो गया 10 कूलम पर सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से 10 कूलम चार्ज फ्लो होगा। अगर करंट का वैल्यू है 20 एम्पियर तो इसका मतलब हो गया 20 कूलम पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, 20 कूलम का चार्ज फ्लो होगा। कहां से? किसी भी क्रॉस सेक्शन से। क्लियर है? अब देखिए, करंट दो टाइप का हो सकता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, और एक होता है एवरेज करंट। करंट दो टाइप का हो सकता है, इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट को तात्क्षणिक धारा कहते हैं, एवरेज करंट को औसत धारा कहते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? किसी खास टाइम पर करंट का जो मान होता है उसको इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। किसी खास टाइम टी पर करंट का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। किसी टाइम इंटरवल मतलब समय अंतराल, जैसे मान लो 3 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में, यह जो है 3 सेकेंड से 8 सेकेंड, ये क्या है? एक टाइम इंटरवल है। तो किसी टाइम इंटरवल में जो चार्ज फ्लो का एवरेज रेट होगा उसको एवरेज करंट कहेंगे। और किसी खास टाइम पर, एक खास टाइम लो, जैसे मान लो टी टाइम, टी का मान हम ले लेते हैं 3 सेकेंड, तो एक खास टाइम टी पर, जैसे अगर टी का मान हम 3 सेकेंड लेते हैं, तो 3rd सेकेंड पर जो करंट का वैल्यू होगा, यानी एक खास टाइम पर जो चार्ज फ्लो का रेट होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे, और एक टाइम इंटरवल में जो एवरेज रेट होगा उसको हम एवरेज करंट कहेंगे। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस करंट एक खास टाइम का होता है, एवरेज करंट क्या होता है? एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है। तो एक टाइम इंटरवल में चार्ज फ्लो के रेट को करंट कहते हैं, चार्ज फ्लो के रेट को करंट कहते हैं। तो एक खास टाइम पर चार्ज फ्लो का जो रेट होगा वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा, और एक टाइम इंटरवल में चार्ज फ्लो का जो एवरेज रेट होगा उसको हम एवरेज करंट कहेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है I=dQ/dt। एवरेज करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ∆Q/∆t। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है ∆Q/∆t। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है dQ/dt। अब इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब आप बैटरी से जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो होगा। मान लीजिए इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से बहुत छोटे से टाइम dt में बहुत छोटा सा चार्ज dQ फ्लो हुआ। एक छोटे से टाइम dt में बहुत थोड़ा सा चार्ज फ्लो हुआ dQ। तो अगर dt सेकंड में dQ चार्ज फ्लो हो रहा है, dt सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है dQ, तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा dQ/dt। इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। ये एक खास टाइम t पर करंट है, जबकि एवरेज करंट किसको कहेंगे, जरा देखिए। मान लीजिए एक टाइम इंटरवल है t1 से t2 सेकंड, ये एक टाइम इंटरवल है, जैसे 3 सेकंड से 8 सेकंड या 5 सेकंड से 10 सेकंड, कोई भी एक टाइम इंटरवल ले लो। तो मैंने टाइम इंटरवल लिया t1 से t2। इस टाइम इंटरवल में जो टोटल चार्ज फ्लो होगा वो मान लो ∆Q चार्ज फ्लो हो गया, ∆Q चार्ज फ्लो हो रहा है इस टाइम इंटरवल में, ठीक है। मान लो 3 सेकंड से 8 सेकंड के बीच ∆Q चार्ज फ्लो हुआ, यानी 3 से 8, यानी ये टाइम इंटरवल कितने सेकंड का हो गया, 8 में 3 घटा दो 5 सेकंड। अरे 3 सेकंड से 8 सेकंड, यानी टाइम इंटरवल 5 सेकंड का हुआ, 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ ∆Q। तो चार्ज फ्लो का जो रेट होगा वो एवरेज रेट। तो t2 में t1 घटाओगे तो निकलेगा ∆t। तो ∆t टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ ∆q, तो एक सेकंड में कितना फ्लो होगा ∆q/∆t।
इसको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज करंट। तो खैर करंट का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट हो गया सेकंड। तो करंट का ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर सेकंड, जिसको हम क्या कहेंगे, एम्पियर। करंट का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं। अब देखिए करंट का डायरेक्शन किधर होता है, मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारा एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस चूंकि भारी होता है इसलिए ये गति नहीं करता। ये जो मैं प्लस करके दिखा रहा हूं ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस काफी भारी होता है, ये अपने जगह पर फिक्स होता है, ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ये रेस्ट में होता है, ये मूव नहीं करता। और ये जो न्यूक्लियस होता है एक खास तरीके से एक दूसरे से बंधा रहता है। दो न्यूक्लियस या दो एटम आपस में बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और ये सारे बॉन्ड मिलकर, ये सारे न्यूक्लियस मिलकर एक खास पैटर्न बनाते हैं, एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लैटिस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इस ब्रांच को हम लोग क्रिस्टेलोग्राफी भी कहते हैं। तो यहां पर देखिए, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बिल्कुल फ्री होते हैं, तो ये क्या है, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो है ये न्यूक्लियस है जो कि फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता क्योंकि काफी भारी होता है, इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है, जबकि ये काफी भारी होने के वजह से मूव नहीं करता। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन काफी हल्का भी है और बिल्कुल फ्री होता है, इस पर थोड़ा भी फोर्स लगेगा ये मोशन में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। जब इस कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ेंगे, जब किसी भी कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, जरा सोचिए। कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के एक टर्मिनल पर हाई वोल्टेज आएगा, एक टर्मिनल पर लो वोल्टेज आएगा, यानी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जब भी हम चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो चालक के दोनों सिरे पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, इसके कारण क्या होगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, तो ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग अपोजिट टू द फील्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं और ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं यानी जितने भी न्यूक्लियस हैं वो बिल्कुल रेस्ट में होते हैं, लेकिन एक बात सोचिए कि मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप कहां पर बैठे हैं, ट्रेन के अंदर, ट्रेन गति में है और बाहर में पेड़ है, पेड़ बिल्कुल रुका होता है, पेड़ बिल्कुल रेस्ट में होता है, रुका होता है, और ट्रेन गति में होता है, लेकिन आप चलती ट्रेन से जब पेड़ को देखते हैं तो पेड़ पीछे की ओर चलता हुआ लगता है, यानी पेड़ गति करता है, पेड़ भी पीछे चलता हुआ लगता है, पेड़ वास्तव में गति नहीं करता है, लेकिन जब चलती ट्रेन से हम पेड़ को देखते हैं, ट्री को देखते हैं, तो वो पीछे की ओर भागता हुआ लगता है, गति करता हुआ लगता है, इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, आपेक्षिक वेग। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और ये जितने भी न्यूक्लियस हैं जो कि रेस्ट में है वो किधर भागता हुआ लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को हम ट्रेन मान लें, इस चलती इलेक्ट्रॉन को ट्रेन मान लें, तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है, हालांकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर जा रहा है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और चलती इलेक्ट्रॉन से, चलती इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, गति कर रहा है, चलती इलेक्ट्रॉन को अगर हम ट्रेन मान लें तो इस चलते हुए इलेक्ट्रॉन यानी चलते हुए ट्रेन से जब ये सारे पॉजिटिव चार्ज को यानी पेड़ को हम देखेंगे तो ये पेड़ किधर भागता हुआ लगेगा, इधर की ओर। अब जरा सोचिए करंट, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, करंट का डायरेक्शन हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है, करंट का डायरेक्शन हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है, यानी हम कह सकते हैं करंट का डायरेक्शन किधर होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सेकेंड, करंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आपसे कोई पूछे कि कंडक्टर के अंदर करंट जो फ्लो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो आप कई तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। पहला जवाब है करंट का डायरेक्शन हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। दूसरा इसका जवाब हो सकता है करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तीसरा जवाब है पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। देखिए एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का आपने इस्तेमाल किया है। चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है, यानी थर्ड आपको याद रखना है अलोंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। और चौथा क्या है, निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट इधर होगा, यानी हम लिख सकते हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इधर फ्लो होगा उसके अपोजिट। तो चार तरीके से आप करंट के डायरेक्शन को बता सकते हैं, पहला है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, तीसरा है पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में, और चौथा है इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज जिधर फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है या फ्लो होता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन जरा देखिए, एक कंडक्टर है जो बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है इसका मतलब इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा, करंट इधर से निकलेगा और इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहां पर हाई वोल्टेज होगा यहां लो वोल्टेज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, टी सेकेंड में क्यू कूलम का चार्ज फ्लो होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक कंडक्टर है इसको मैंने बैटरी से जोड़ा है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, यानी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या करंट का डायरेक्शन किधर होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। इस क्रॉस सेक्शन से यानी तार के किसी भी क्रॉस सेक्शन से टी सेकेंड में क्यू कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, जहां क्यू का वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। तो क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट का वैल्यू फाइंड करना है। इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू आपको फाइंड करना है तीसरे सेकेंड पर, एंड एवरेज करंट का वैल्यू फाइंड करना है दो सेकेंड से छह सेकेंड के बीच। अब यहां पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस करंट हमेशा एक खास टाइम पर निकलता है। क्वेश्चन में कह रहा है इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, कितने टाइम पर, तीसरे सेकंड पर, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है, खास टाइम है। एवरेज करंट हमेशा टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है, एक समय अंतराल पर ही वो परिभाषित होता है। तो एवरेज करंट आपको निकालना है दो सेकंड से छह सेकंड के बीच में।
जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस तार के, इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो होता है, जहां क्यू का मान टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन कूलम्ब है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी, क्यू का वैल्यू पुट करिए, क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन बाई डी टी। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें तीन टर्म है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा टू टी, टू टी का डिफरेंशिएशन होगा टू, क्योंकि टू बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी वन होगा, डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, और ये वन क्या है कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, यानी करेंट का जो वैल्यू होगा वो टू टी प्लस टू होगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया टू टी, टू टी का डिफरेंशिएशन हो गया टू, और वन का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू आ गया टू टी प्लस टू। तो यह जो इंस्टेंटेनियस करंट है ये कितने टाइम का है, टी सेकंड का। हमने बताया था कि इंस्टेंटेनियस करंट हमेशा एक खास टाइम टी पर डिफाइन होता है, तो किसी खास समय टी पर इंस्टेंटेनियस करंट का यह मान होगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरे सेकंड पर इंस्टेंटेनियस करंट का मान बताइए, तो हम यहाँ टी का मान थ्री पुट करेंगे, तो इस टी के जगह जब आप तीन पुट करिएगा थ्री, तो आपको तीसरे सेकंड पर करंट का वैल्यू मिल जाएगा 8 एम्पियर। तो तीसरे सेकंड पर करंट का वैल्यू 8 एम्पियर होगा, यही हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज करंट। एवरेज करंट कैसे निकालेंगे जरा देखिए, एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला होता है क्यू टू माइनस क्यू वन बाई टी टू माइनस टी वन। तो जरा देखिए टी सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है क्यू, तो दो सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, यहां टी के जगह दो रखकर सोचिए क्या होगा, अगर हम टी के जगह दो रखेंगे तो दो का स्क्वायर चार, फिर टू इंटू टू फोर प्लस वन, यानी नाइन कूलम। दो सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, नाइन कूलम। छः सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो टी के जगह हम छः रखेंगे तो छः का स्क्वायर 36, छः दुना 12 प्लस 1, ये हो गया 49 कूलम, यानी दो सेकंड में 9 कूलम चार्ज फ्लो होगा और छः सेकंड में 49 कूलम चार्ज फ्लो होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि टी सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है क्यू, जहाँ क्यू का वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस 1, तो दो सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, 9 कूलम, टी के जगह आप दो रखिएगा तो 9 आएगा, और 6 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, 49 कूलम। तो 2 से 6 सेकंड के बीच में, यहाँ ध्यान से देखिए, 2 सेकंड में 9 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 6 सेकंड में 49 कूलम फ्लो हो रहा है, तो 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में, यानी इस समय अंतराल में कितना चार्ज फ्लो हो गया, 49 में 9 घटाइए तो यहाँ पर 49 में 9, टी टू माइनस टी वन यानी 6 माइनस 2, यहाँ टी वन का वैल्यू है 2 सेकंड, टी टू का वैल्यू है 6 सेकंड, क्यू वन का वैल्यू है 9 कूलम और क्यू टू का वैल्यू है 49 कूलम। तो ये 40 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 4 सेकंड में, 10 कूलम पर सेकंड यानी 10 एम्पियर, ये हो गया आपका एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का वैल्यू हो गया 10 एम्पियर। पदार्थ मतलब सब्सटेंस तीन प्रकार का होता है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर को चालक कहेंगे, सेमी कंडक्टर को अर्धचालक कहेंगे, इंसुलेटर को कुचालक कहेंगे। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी होता है
और होल भी होता है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल भी होता है। इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया मेटल्स, इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो गया रबर, प्लास्टिक, पेपर एसेट्रा। और सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एसेट्रा। कंडक्टर, जब हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होगा। तो करंट किसके फ्लो होने से फ्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होता है तो करंट का निर्माण होता है। तो करंट का निर्माण किसके वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सेमी कंडक्टर को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं, जब हम किसी अर्धचालक को सेमी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें भी करंट फ्लो होता है, लेकिन उसमें करंट किसके फ्लो होने के कारण होता है? उसमें करंट का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के फ्लो होने से। अब आप सोच रहे होंगे ये होल क्या चीज होता है? तो होल जो होता है, इसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे मॉडर्न फिजिक्स, यानी सबसे लास्ट चैप्टर आप लोग का जो है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें हम डिटेल पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। फिलहाल ये जानिए कि होल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिस पर प्रोटोन के बराबर चार्ज होता है, यानी होल पर आप मान लीजिए प्लस ई चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई चार्ज होता है, कुछ इस तरीके से आप रफली एक मान के चलिए। इंसुलेटर में जब हम इंसुलेटर को बैटरी से जोड़ेंगे तो उसमें तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो ये तीनों केस याद रखेंगे। व्हेन ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग एंड द करंट इज फॉर्म ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन ए सेमी कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, देन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेमी कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, एंड इन इंसुलेटर नो करंट फ्लोस। कुचालक में करंट बहता ही नहीं है, अर्धचालक में करंट का निर्माण इलेक्ट्रॉन और होल के फ्लो होने के कारण होता है, और कंडक्टर में जो करंट का निर्माण होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कंडक्टर में करंट का निर्माण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, सेमीकंडक्टर में करंट का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण, और इंसुलेटर में तो करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो करंट के बारे में तीन बेसिक चीज़ याद रखेंगे, करंट का डिफिनेशन क्या है, करंट का एसआई यूनिट क्या है, और करंट का निर्माण हर एक सब्सटेंस में कौन कौन से पार्टिकल के द्वारा होता है। करंट का डिफिनेशन यहाँ पर है, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज फ्लो का जो रेट होता है उसको करंट कहते हैं। करंट का एसआई यूनिट कूलम पर सेकंड यानी एम्पियर होता है। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर कहते हैं। और करंट का डायरेक्शन क्या होता है? तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है करंट का डायरेक्शन वही होता है, और जिधर निगेटिव चार्ज फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। क्लियर है? कंडक्टर में करंट का निर्माण फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा, सेमीकंडक्टर में करंट का निर्माण इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलकर करता है, पर इंसुलेटर में करंट तो बनता ही नहीं है, फ्लो ही नहीं होता है। क्लियर है? तो अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना, करंट क्या है, डिफिनेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, एसआई यूनिट क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक बात है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।